हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आप सबने मुझे इतने ज़्यादा कमेंट करके पूछा है कि मैम प्लीज़ आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, बहुत ज़्यादा चमकती है, तो इसके लिए आप स्पेशल क्या खाती हो? आप अपनी डाइट में ऐसा क्या लेती हो जो आपकी स्किन पर इतनी ज़्यादा चमक है? जो नॉर्मल होता है घर में जो सभी लोग खाना खाते हैं वही खाना मैं खाती हूँ। बस इतना है, मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ, मतलब सब कुछ छोड़ दूंगी लेकिन जो मेरी स्किन की केयर करने का जो मेरा रूटीन है ना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती, उसको टाइम टू टाइम अपनी स्किन की केयर जरूर करती हूँ। दूसरा, बाहर का जो भी होता है तालाब होना ये जो भी होता है इनको मैं बहुत ही कम खाती हूँ। तो आपसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इनको बिल्कुल भी नहीं खाती, मैं खाती हूँ, मेरा भी मन करता है खाने का लेकिन बहुत कम खाती हूँ। जैसे कि एक महीने में 15-20 दिन में एक बार खा लिया, ऐसे खाती हूँ बस। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन मैं बाहर का ही खाऊं, ठीक है? तो मैं ये दो चीज़ें करती हूँ। और जो पानी है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करती हूँ। दिन में मैं जितनी भी बार पानी पीती हूँ गर्म पानी पीती हूँ, बस मेरी यही डाइट में है। अगर घर में फ्रूट वगैरह होते हैं तो मैं वो भी खा लेती हूँ, सैलेड वगैरह, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना फ्रूट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खाना, बस इतना ही है मेरा। बाकी नॉर्मल सबके घर में सब्जी रोटी बनती है वो मैं खाती हूँ, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, बस ये है टाइम टू टाइम अपनी स्किन की केयर करती हूँ। तो ये तो मैंने बताया है अपने बारे में कि मैं क्या खाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए अगर आप लोग चाहते हो कि जो आपकी स्किन है अंदर से ग्लो करे। तो देखिए, सबसे पहला तो आपको इस पे ध्यान देना है कि आपका जो पेट है वो ठीक से साफ होता है कि नहीं होता है। मतलब बहुत लोगों की आदत होती है ना, बहुत लोग होते हैं मतलब उनका जो पेट होता है ना ठीक से साफ नहीं होता। जब आपका पेट ठीक से साफ नहीं रहेगा तो आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम भी होगी, आपके चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं रहेगी, बल्कि जो भी थोड़ी बहुत चमक है आपकी वो भी खो जाएगी अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं रहेगा तो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेट को ठीक से साफ रखना है। अब आप कहोगे कि मैम मेरा पेट ठीक से साफ नहीं होता तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो देखिए, आज आपको इतना बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तो इसके लिए आप क्या करें, नाइट में जब आप सोते हो आंवला पाउडर ले आइए, मार्केट में मिल जाएगा आपको, किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा, आप पतंजलि का भी ले सकते हो, मतलब किसी भी ब्रांड का आपको मिल जाएगा। आंवला पाउडर लाके जब नाइट में आप सोने के लिए जाते हो, सबसे लास्ट में आपको एक चम्मच या पौना चम्मच आंवला पाउडर लेना है, उसे खा के और ऊपर से आप गर्म पानी पी लीजिए एक कप या फिर एक गिलास और आप सो जाइए। आपको डेली ऐसा करना है। हो सकता है इसका रिजल्ट आपको एक हफ्ते में मिले या फिर आपको 5-6 दिन में देखने को मिल जाए या फिर दूसरे दिन ही देखने को मिल जाए, लेकिन इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अब देखिए, इससे आपका पेट भी साफ होगा और जो आंवला है आप जानते हो हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो जानते हो ना। तो इसी से क्या होगा, आपकी पेट की सफाई भी होगी और आपके बाल और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, ठीक है? ये मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि खाने में ऐसा क्या होना चाहिए। पेट साफ करने का तो आपको बता दिया कि खाने में ऐसा आप अपनी डाइट में क्या शामिल करें जिससे आपकी स्किन ग्लो करने लगे। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो अंकुरित दालें होती है ना, अंकुरित होना चाहिए, मतलब जैसे कि काले चने आते हैं आप काला चना भी ले सकती हो, आप मूंग दाल आती है वो भी ले सकती हो लेकिन साबुत, ठीक है, वो भी ले सकती हो, या फिर गेहूं आता है उसको ले सकती हो, मतलब अंकुरित करना है आपको। आपको क्या करना है, पहले आप उसे 8 से 10 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। आप इतने चने भी ले सकते हो, गेहूं भी ले सकते हो, जैसे मैंने बताया दाल भी ले सकते हो, कोई भी साबुत दाल ले सकते हो, उसको भिगो के 8 से 10 घंटे के लिए रखने के बाद उसका पानी आपको निकाल देना है। पानी निकाल के फिर आपको किसी कॉटन कपड़े में उसे रख के और फिर आप उसे 24 घंटे के लिए 48 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, उसमें अंकुर निकलने लगेगा। अब जो वो अंकुर निकलता है आपकी स्किन के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप लोग यकीन मानना, आपको कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी, प्रोटीन की कमी नहीं होगी, कभी मतलब किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी बॉडी में कितनी सारी कमियां हो जाती हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं ये विटामिन की कमी है तुमको ये टैबलेट खाओ, तुम्हें आयरन की कमी है तुम ये वाली टैबलेट खाओ, तुम्हें इस चीज़ की कमी है तुम ये खाओ, तुम्हें विटामिन डी की कमी है ये खाओ, ऐसा होता है ना। तो आपको ये जो भी कमियां होती हैं बिल्कुल भी नहीं होगी, सारे प्रोटीन्स आपको इससे ही अंकुरित दाल से और मतलब अंकुरित होना चाहिए कुछ भी तो उससे आपको मिलेगा। तो अगर आप डेली नहीं खा सकते ना, हफ्ते में आप 2 बार जरूर खाया करें, अंकुरित चना हो या फिर कोई भी दाल हो, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए जिससे आपकी स्किन है ना एकदम चमकदार रहे। तो आपको डेली 2 फ्रूट जरूर खाने चाहिए, ठीक है? अब
अब आप कहोगे कि मैम वो कौन से फ्रूट हैं जो हमारी स्किन की जो चमक है उसको बढ़ाएंगे, तो देखिए संतरा आप सभी लोग जानते हो, और इस सीजन में तो संतरा बहुत ज़्यादा भरमार है मार्केट में, आपको बहुत ज़्यादा मिल भी जाएगा। तो आप एक संतरा लें, आप दूसरा सेब भी ले सकते हो, जो भी मौसम के हिसाब से फल चल रहा है आप वो लें, ठीक है। और दो फल आप डेली खाएं, इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है ना अंदर से ग्लो करने लगेगी, अंदर से ही चमकदार बनेगी, आपकी जितने भी पिंपल्स वगैरह के दाग धब्बे हैं चेहरे पर वो सब धीरे धीरे साफ होने लगेगी, और जैसे आपको स्किन चाहिए ना एकदम नेचुरल ग्लो जो स्किन पर होना चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। आंवला आता है, इसको आप अपनी डाइट में शामिल करिए। अब आप ये भी बोलोगे मैम आंवला जो होता है हर सीजन में तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आंवला मुरब्बा आपको मिल जाएगा, आंवला कैंडी आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, आंवला पाउडर तो मैंने बता ही दिया, मतलब आपको आंवला खाना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम फ्रेश आंवला ही खाओगे, आप उसे किसी भी रूप में खा सकते हो, उसका अचार भी खा सकते हो, उसकी कैंडी भी खा सकते हो, उसका मुरब्बा भी खा सकते हो, या फिर उसका पाउडर भी खा सकते हो, ठीक है। आपको ये अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या गलती करते हैं, जैसे कि अभी विंटर सीजन है तो बहुत लोगों को प्यास बहुत ही कम लगती है, वो पानी पीना इग्नोर कर देते हैं, मुश्किल से 2 गिलास पानी पियेंगे 24 घंटे में, और वो कहते हैं अरे यार अभी ठंड है ना तो हमें प्यास व्यास नहीं लगती, ज़्यादा पानी पियेंगे तो बहुत बार बार हमें टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो ये उनकी बहुत बड़ी जो मैं कहूँगी ना गलती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी को अपनी डाइट में शामिल करोगे तो पानी भी आपकी स्किन को काफ़ी हद तक ग्लो कर सकता है, आपकी स्किन पर चमक ला सकता है। अगर आप बार बार टॉयलेट भी जाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी जो गंदगी है ना वो निकलती रहेगी, अगर आप पानी कम पियोगे तो गंदगी आपके पेट के अंदर जमा होती रहेगी। तो आप कोशिश करें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी तो आपको डेली पीना ही चाहिए, और जितनी भी बार आप पानी पिया करें ना, आप एक बात हमेशा गांठ मार के रखना, जितनी भी बार आप पानी पिया करें हमेशा गुनगुना पानी ही पिया करें, जो ठंडा पानी होता है ये आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, इसके इतने ज़्यादा आपको क्या बताऊँ साइड इफेक्ट हैं ठंडे पानी के, लेकिन मैं यहाँ पे ठंडे पानी के टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ। तो आप पानी पिया करें, गुनगुना पानी पिया करें, और कम से कम 8 से 10 गिलास पानी अपनी डाइट में जरूर लिया करें। आपने देखा होगा जो विंटर सीजन है इसमें लोग क्या करते हैं, जो छाछ होती है दही होती है इसको अवॉइड करते हैं, वो सोचते हैं इसे खाने से हमारा जो गला है वो खराब हो सकता है, हमें कोल्ड वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी भी हो सकती है, और बड़े बुजुर्गों को हो भी जाती है, मतलब वो बहुत ही जल्दी इसकी चपेट में आ भी जाते हैं। लेकिन अगर आप इन सब की आदत डालोगे अपनी डाइट में फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको डेली एक कटोरी दही जरूर अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। दाल है, दाल आप कोई भी दाल खाओ, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, जो आपको दाल पसंद है आप एक कटोरी दाल अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड शामिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, मतलब अगर दही नहीं है छाछ है आपके घर में तो आप 1 गिलास छाछ जरूर पिया करें। तो इससे क्या होगा, आपका पेट ठीक से साफ होगा और आपका जो खाना है ना वो जल्दी से पच भी जाएगा, आपकी जो पाचन क्रिया है वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगी। तो अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करोगे ना, कुछ दिन हो सकता है आपको प्रॉब्लम होने लगे आपको कोल्ड की या कुछ की, लेकिन उसके बाद अगर आपको इनकी आदत लग जाएगी ना फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नारियल पानी, आपने नारियल पानी के बारे में बहुत सुना होगा, और सचमुच नारियल पानी हमारी स्किन और हमारे हेयर्स के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर आप एक नारियल पानी डेली अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आप देखोगे आपके बालों की भी चमक बढ़ेगी और आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। लेकिन थोड़ा सा महंगा जरूर आता है और हर किसी के बजट में भी नहीं होता, लेकिन अगर आपके बजट में है और आप पी सकते हो तो डेली एक नारियल पानी जरूर पिया करें। बहुत लोगों की ये गलतफहमी होती है कि हमें घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अगर हम घी ज़्यादा खाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएंगे, हमारा फैट बढ़ने लगेगा, हमारा मोटापा बढ़ने लगेगा। तो देखिए घी खाने की भी एक लिमिट होती है, आपको मैं बताती हूँ कि आपको डेली कितना घी खाना चाहिए। तो आपको 2 चम्मच घी खाना ही चाहिए, अगर आप 2 चम्मच घी भी नहीं खाओगे ना, 2 चम्मच मतलब कम से कम 20 ग्राम घी तो आपको खाना ही चाहिए। अगर आप घी खाना बिल्कुल ही बंद कर दोगे तो इससे आपकी जो हड्डियाँ ना वो भी कमज़ोर होने लगेंगी और आपकी जो स्किन है ना
बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उस पर ड्राईनेस आ जाएगी। तो स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आपको डेली कम से कम 20 ग्राम घी जरूर खाना चाहिए, मतलब 2 चम्मच। अब इन सबको खाने के बाद आपको ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की। ऐसा नहीं है कि खा के सिर्फ आप बिस्तर में पड़े रहो, तब तो आप जानती हो हमारा फैट बढ़ना ही है। लेकिन आप मेहनत भी करो और अच्छा खाओ, फिर देखो कैसे चमक नहीं आएगी आपके चेहरे पर, आपके चेहरे पर भी उतनी ही चमक आएगी जितनी आप चाहते हो। बस आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं इन सबको आपको फॉलो करना है। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप सबने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है कि नहीं किया, प्लीज़ आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा, और सेकंड चैनल को भी नहीं किया सब्सक्राइब तो आप उसको भी कर लेना, और उसका लिंक दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऐसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।